नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आज की इस नई वीडियो में। कुछ दिन पहले मैं 2-3 दिन वीडियो नहीं डाल पाया था बीच में, और उसकी वजह ये थी कि मैं रूम शिफ्ट कर रहा था। तो अभी मैं जहाँ पे नया शिफ्ट हो गया हूँ वहाँ पे मैंने कुछ अपने सेटअप में चेंजेस किए हैं, उनके बारे में इस वीडियो में बताने वाला हूँ। उसके अलावा मैं आपको बताऊँगा कि मैं क्या क्या गियर्स यूज़ करता हूँ अपनी वीडियोज़ बनाने के लिए। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए हुए लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन दबा दीजिए। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि आप मेरे पीछे ये बैकग्राउंड देख सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में ये ऐसा नहीं है। इसके पीछे मैंने कल ही एक अमेज़ॉन से ग्रीन स्क्रीन मंगाई है जो लगभग मुझे 450 रुपये की मिली। और अगर आप एक वीडियो क्रिएटर हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होती है बैकग्राउंड को चेंज करने के लिए। अभी आप देख सकते हैं कि अभी आपको ग्रीन दिख रही है, लेकिन इसको मैं चेंज करके कोई भी बैकग्राउंड यूज़ कर लेता हूँ। उसके अलावा आप यहाँ पे मेरे पास माइक्रोफोन देख सकते हैं, ये बोया का BY-M1 माइक्रोफोन है जो कि आपको 700 से 800 रुपये में अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट मिल जाएगा। और इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि पहली बात तो ये बहुत लंबी वायर वाला है कि आप दूर मोबाइल या अपना कैमरा दूर रख के भी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। उसके अलावा ये स्मार्टफोन और DSLR के लिए दोनों के लिए काम करता है। उसके अलावा मैं एक ट्राइपॉड यूज़ करता हूँ जो 400 से 500 रुपए में आपको अमेज़ॉन पे मिल जाता है। और लेकिन ये जो ट्राइपॉड है ये केवल मोबाइल के लिए है, अगर आप इस पर DSLR माउंट करते हैं तो DSLR इसके लिए थोड़ा सा हैवी हो जाएगा। तो अगर आप DSLR के लिए लेना चाहते हैं तो आपको कम से कम 1500 रुपये तक खर्च करने पड़ सकते हैं ट्राइपॉड के लिए। उसके अलावा मैं जो अपनी वीडियो शूट करता हूँ वो मैं अपने स्मार्टफोन से ही करता हूँ, जो है सैमसंग गैलेक्सी A30। और ये वीडियो जो आप देख रहे हैं ये भी उसी स्मार्टफोन के फ्रंट कैमरे से रिकॉर्ड हो रही है। अब एक्चुअल में यहाँ पे सेटअप वगैरह कुछ है नहीं, केवल ग्रीन स्क्रीन है। सामने मैंने अपना ट्राइपॉड पे अपना स्मार्टफोन माउंट किया है और एक माइक्रोफोन यूज़ कर रहा हूँ। कोई इतना बड़ा सेटअप नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ कि यहाँ पे किस तरह से मैं वीडियो शूट करता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको ये ट्राइपॉड दिख रहा है, ये मेरा बेड है और इसी के ऊपर मैं इस ट्राइपॉड को रखता हूँ। और लाइटनिंग के लिए मैं एक 30 वॉट की लाइट लाया हूँ, सामने मैंने लगा रखी है LED लाइट, वो सिंगल लाइट ही काफ़ी होती है। उसके अलावा एक लाइट आप इधर देख सकते हैं यहाँ पे है, और वहाँ पे जो आप देख रहे हैं वहाँ पे AC वेंट था, लेकिन अभी AC की ज़रूरत है नहीं तो इसलिए वो बंद किया हुआ है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने ग्रीन स्क्रीन लगाई है जो 8x12 फीट की है, काफ़ी लंबी चौड़ी है, तो ये इनफ है वीडियो का बैकग्राउंड चेंज करने के लिए। उसके अलावा मैं यहाँ पे कभी चेयर लगा देता हूँ अगर मुझे बैठ के वीडियो शूट करनी होती है, और अगर मुझे खड़ा होके वीडियो बनाना होता है तो मैं खड़ा होके भी वीडियो शूट यहाँ पे कर लेता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे वीडियो शूट करने के बाद बाहर, अभी बाहर वाले रूम पे मेरा जो वीडियो एडिटिंग सेटअप है बाहर वाले रूम पे है, लेकिन आज उसे भी मैं अंदर ही लगा दूंगा इसी रूम में और वीडियो एडिट करता हूँ और आप लोगों के लिए वीडियोज़ बनाता हूँ। तो बस यही कुछ था इस वीडियो के लिए। कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो सेटअप कैसा लगा और इसमें और क्या इम्प्रूवमेंट हो सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन दबा देना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।